हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे को जरूर दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल जिले में स्थित प्रमुख अनुसंधान केंद्र या संस्थान। तो दोस्तों, जैसे हम बात करें यहाँ पर पहले है भोपाल में यातायात प्रशिक्षण संस्थान। तो दोस्तों, इसको हम एक ट्रिक लगाएं कि सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि भोपाल जिले का जनघनत्व पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कितना है? 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब भोपाल जैसे यहाँ पर भोपाल जिला है तो यहाँ का जनघनत्व बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ के लोग बहुत ही पास पास रहते होंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारी एक ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से हम पूरे यहां के संस्थान याद करेंगे जो महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम देखते हैं, पहला है हमारा यातायात प्रशिक्षण संस्थान। यातायात मतलब हम यहां पर लॉजिक लगा सकते हैं कि जहां के व्यक्ति बहुत पास पास रहे हैं, मीन्स यहां का जनघनत्व ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा? ट्रैफिक ज्यादा होगा। अब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो लोगों को यातायात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप लोगों को कैसे सफर करना है। क्यों करना है अच्छे से सफर? क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक ज्यादा है। तो यहाँ का ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए भोपाल में यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश चर्म रोग विकास निगम। दोस्तों, चर्म रोग विकास निगम, चूंकि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और चर्म रोग आपको पता है कि छुआछूत की बीमारी है, मतलब छूने से भी फैलता है चर्म रोग। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ज्यादा हैं, बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए यहाँ इनको चर्म रोग की शिकायत भी रहती है। तो यहाँ पर हम यह भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश चर्म रोग विकास निगम कहाँ है? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आपको पता है हम भोपाल में बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत पास पास लोग रहते हैं, यहाँ का जनघनत्व बहुत ज्यादा है, तो जनघनत्व तो ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ के लोग बहुत सारे मीन्स यहाँ पर मोटर गाड़ियों का प्रयोग करते होंगे और मोटर गाड़ियों का प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण होगा। क्यों होगा प्रदूषण? क्योंकि यहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं, तो यहाँ पर प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कुछ उपाय किए जाएंगे। तो भोपाल में हमारा क्या है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते। चलिए नेक्स्ट है हमारा विधि संस्थान। इसको कैसे याद रखेंगे? विधि संस्थान, अब यहां पर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे? विधि से यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, तो सरकार ने क्या सोचा कि लोग ज्यादा हैं तो यहाँ पर विधि संस्थान बना दिया जाए, मींस कानून यहाँ पर कुछ बना दिए जाए, कुछ विधि बना दी जाए, तो यहाँ पर विधि संस्थान भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जैविक खाद संयंत्र। अब दोस्तों, यहाँ का जनघनत्व सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर लोग खाद्य वस्तुओं का प्रयोग सबसे ज्यादा करते होंगे, है ना? तो खाद्य वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग होता होगा तो इससे हम लॉजिक लगा सकते हैं कि जैविक खाद्य संयंत्र भी कहाँ है? भोपाल में। चलिए अब दोस्तों, हमने अभी इसमें पढ़ा है कि प्रदूषण होता है कहाँ? भोपाल में। अब प्रदूषण होता है तो प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ के इंजीनियरों से क्या ली जाएगी? सलाह ली जाएगी। जो भोपाल के इंजीनियर है उनसे क्या करेंगे? हम सलाह लेंगे। तो इंजीनियरों से सलाह लेंगे तो यहाँ पर वो भी कौन से इंजीनियरों से? कृषि, जो कृषि में इंजीनियरिंग किए हो उनसे हम सलाह लेंगे कि इसका उपाय क्या है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कृषि इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भोपाल में। अब इनसे सलाह ली कृषि इंजीनियरों से तो इन्होंने क्या बताया कि आप मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि पर क्या कर दें? प्रबंध लगा दें कि मतलब जल और भूमि प्रदूषण कम कर दें, है ना? यदि जल और भूमि प्रदूषण कम कर देंगे तो भोपाल में प्रदूषण कम हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? कृषि इंजीनियरों ने। ठीक है, तो आपको यह याद हो जाए कि मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। अब जैसे ही प्रदूषण कम हो गया, जल एवं भूमि प्रदूषण कम हो गया, तो फिर इन्होंने अपने आप से क्या किया कि वायु प्रदूषण को भी कम करने के लिए मध्य प्रदेश में, सॉरी भोपाल में, वनों को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रबंधन करने लगे, मीन्स पेड़ पौधे
लगाने लगे। तो भोपाल में हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश वन प्रबंधन संस्थान, या फिर इसको हम बोलते हैं IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों यदि आपको यह ट्रैक अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं इंदौर शहर में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि इंदौर को मिनी मुंबई उपनाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मिनी मुंबई। अब जब इंदौर को मिनी मुंबई उपनाम से जाना जाता है तो इंदौर में IT मींस टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत तो विकसित होगी। दूसरे जिलों की अपेक्षा इंदौर में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी विकसित होगी। बस हमें यही लॉजिक लगाना है कि इंदौर टेक्नोलॉजी में क्या है, थोड़ी सी विकसित है। बस यही इंदौर की ट्रिक है। अब हम देखते हैं, पहला हमारा संस्थान है उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान। मतलब प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इंदौर में। और इसके साथ में लेजर किरण परमाणु संस्थान भी कहाँ है? इंदौर में। अब जब इंदौर सिटी जो है टेक्नोलॉजी में मींस IT में थोड़ी सी क्या है, आगे है, तो यहां पर वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान भी हो जाएगा। जब IT में इंदौर सिटी डेवलप है तो यहां पर वायरलेस जैसी सुविधाएं तो होंगी ही। चलिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेम है, तो यह भी हमें याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में है। नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। दोस्तों आपको एक चीज कंफ्यूज होगी, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र और सोयाबीन का सबसे बड़ा प्लांट या कारखाना। यदि प्लांट पूछा जाए या फिर क्या पूछा जाए, सबसे बड़ा कारखाना, तो फिर हमें लगाना है उसका आंसर उज्जैन। लेकिन सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। और सोयाबीन का सबसे बड़ा प्लांट या सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? उज्जैन में। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अनुसंधान पूछा जाए तो कहाँ? इंदौर, और यदि कारखाना या प्लांट पूछा जाए तो उज्जैन। चलिए अब इंदौर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा विकसित है तो क्या करेंगे वहां के लोग, ऋतु वेधशाला, मतलब ऋतु वेधशाला का निर्माण करेंगे कि हम मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि उन्होंने मौसम की जानकारी सही तरीके से प्राप्त कर ली ऋतु वेधशाला बना के, तो क्या किया फिर उन्होंने, उन्होंने जैविक खेती को महत्व दिया कि ऋतु वेधशाला का निर्माण हमने कर लिया है, ऋतु वेधशाला से हम मौसम को का अनुमान लगा सकते हैं, तो हम जैविक खेती करेंगे। मीन्स ऋतु वेधशाला के माध्यम से हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं कि कब मौसम अच्छा रहेगा, उस हिसाब से हम जैविक खेती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमें याद हो जाएगा जैविक खेती की इकाई कहाँ है? इंदौर। अब जैविक खेती की है मींस जैविक खेती करने से इनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैसे आए, पैसों की आमदनी हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया, ज्वेलरी मींस ज्वेलरी खरीदी बहुत सारी, तो यहां पर हमें याद हो जाएगा कि ज्वेलरी पार्क कहाँ है? इंदौर में। अब इन्होंने जैविक खेती करके पैसा भी कमा लिया और ज्वेलरी भी खरीद ली। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि चलिए अब हमें कोई काम भी नहीं है, हम PSC की क्या करें, कोचिंग कर लें और PSC की तैयारी करके एक अच्छी जॉब हासिल कर लें। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं लोक सेवा आयोग भी कहाँ है? इंदौर में है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्रों के बारे में। जैसे हमारा यहां पर है आम अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र हमारा है रीवा में, गोविंदगढ़ स्थान पर यह स्थित है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रीवा में। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में। नेक्स्ट है गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। और दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ा था IIFM, यह कहाँ था? यह था भोपाल में। तो यह अलग चीज है, यह था इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और यह क्या है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। मींस यह क्या था?
भारतीय वह यह मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान केंद्र है, वह यह क्या है, भारतीय मीन्स केंद्रीय है और यह केवल मध्य प्रदेश का है। चलिए हम देखते हैं चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारा देवास में। नेक्स्ट है मानव विकास संस्थान, मानव विकास संस्थान है छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है वानिकी अनुसंधान संस्थान, वानिकी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है वन राज्यक महाविद्यालय, वन राज्यक महाविद्यालय कहाँ है, बालाघाट में। नेक्स्ट है हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नरसिंहपुर में। आप लोगों को पता भी होगा कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन नरसिंहपुर जिले में ही होता है। दोस्तों मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कौन सी फसल का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो प्लीज उसे भी देखिए। नेक्स्ट है ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, सीहोर में। नेक्स्ट है हमारा स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सागर में। नेक्स्ट है चारा बनाने का संयंत्र, चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है, धार में। इसको हम याद रख सकते हैं चारा, यदि हम चारा काटेंगे तो किसी ऐसे हथियार से काटेंगे जिसकी धार क्या हो, तेज हो, तो इसको हम याद रख सकते हैं चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है, धार में। नेक्स्ट है कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में। नेक्स्ट है हमारा अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रतलाम में, और रतलाम का एक उपनाम भी है, रतलाम को क्या कहते हैं, सेव नगरी के नाम से रतलाम को जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों तक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको मिल सके हमारे हर वीडियो सबसे पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों।